जो पिता है उसके ऊपर से जो प्रश्न है उसके बाद से जो प्रश्न ऐसा है बाबा ने मुझे बोला है कि माला के जो 24 दाने होते हैं पहले उसमें शंकर जैसी 12 आत्मा और ब्रह्मा जैसी 12 आत्मा हाँ जी हाँ जी उसका क्या है आदिचंद्रवंशी आदित्य वंशी शंकर जैसी 12 आत्मा बच्चे हाँ जो सूर्य है वो कौन है हाँ वो उसका साकार रूप क्या है तो जिसका साकार रूप है तीसरा नेत्र सूर्य के रूप में जो दिखाया गया है वो तो हुआ ज्ञान सूर्य बाकी चंद्रमा कौन है चंद्रमा है ना कौन ब्रह्मा चंद्रमा है तो दो इकट्ठे हो गए ना 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी हाँ जी तो फिर शंकर जैसी 12 ही होती है 24 नहीं होती हाँ जब वो माँ आधीन हो जाए स्वीकार कर ले कि यही गीतापति भगवान है तब वो भी सूर्यवंशी बन जाती है माँ जब माँ बनती है तो उसका पिछला कुल चलता है या जिसकी बन जाती है उसका कुल स्वीकार होता है इसलिए वो शंकर समान कही जाती है और जो कन्या माता है सालों में बंद थी 47 का हाँ जी वो तो ज्ञान नहीं देती थी उस समय तो भक्ति का फाउंडेशन था ज्ञान माना जानकारी मुरली सुनना और मुरली सुनाना उसको जानकारी कहेंगे या उसके गुह्यार्थ को समझना और समझाना उसको जानकारी कहेंगे ज्ञान किसे कहेंगे समझ को कहेंगे ना समझ को ज्ञान कहा जाता है तो उस समय से लेकर के और 1868 तक गीता ज्ञानामृत कहेंगे क्या अमृत कहेंगे मंथन ही नहीं हुआ कोई बात सुनी जैसे भगत लोग बैठे होते हैं गुरु जी का प्रवचन सुनते हैं वो बोलते जाते हैं वो कुछ सुनते जाते हैं गुरु जी उठ रहे वो पल्ला झाड़ा और चले गए कोई बात पे विचार ही नहीं किया तो भक्ति मार्ग हो गया ना मनमनाव का पूरा अर्थ क्या होता है मनमनाव क्योंकि मन तो ब्रह्मा के लिए भी कहा है बाबा ने कि बाबा का मन ब्रह्मा है हाँ ठीक है प्रजापिता का अपना मन है कि नहीं है हाँ ना किया करो ना है ना हाँ तो प्रजापिता का मन क्या कहता है वो तो देख लो कोई काम करने से पहले है बाबा फूल कलयुग जो है वो 1250 वर्ष का है हाँ जी वो 1250 वर्ष में 42 जन्म लेती है आत्मा है जी तो बाबा एवरेज उम्र तो सबसे ज्यादा 30 हो जाता है सर है 30 साल के हो जाते बाबा हर जन्म 30 साल का होता है हाँ जी बाबा कलयुग में 30 साल के होते हैं 84 जन्म लेने वाले आत्माओं की बात कर रहा हूँ जो भी एवरेज आयु है वो निकालने के लिए 42 से गुणा कर वो भाग कर दो जो 1250 वर्ष है उसमें 42 का भाग किया तो कितना आया है 33 आता है ना तो वो एवरेज आयु है हाँ जी तो बाबा अगर एक जन्म 60 का लिया एक जन्म में 60 वर्ष जिए बाबा हाँ जी तो दूसरा जन्म का भी इसमें ऐड हो गया ना बाबा बिल्कुल ऐड हो गया तो फिर 41 ही जन्म हो जाएगा हैं तो फिर 41 ही जन्म हो जाएगा ना बाबा 41 जन्म कैसे अरे जन्म लेगा तो ये कैसे हिसाब इसका कोई हिसाब ही नहीं पड़ा
बाबा ने 42 जन्म 30-30 वर्ष के हिसाब से लेंगे, अगर सब 30 वर्ष के होंगे सब होते नहीं। नहीं वो तो मैं जानता हूँ बाबा हाँ। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बाबा अगर 30-30 पकड़ेंगे तो 1260 होता है वैसे भी हिसाब। 42 जन्म ठीक है तो समझो एक जन्म में 60 वर्ष हो गया बाबा हाँ। तो एक जन्म वैसे भी इसमें ऐड हो गया, एक जन्म का 30 साल भले ऐड हो गया, लेकिन अगला जन्म ऐसा भी तो हो सकता है कि थोड़े समय में ही करिश्मा करके निकल जाए। तो वही बाबा और कम हो जाता है, 10-20 साल हो जाता है ना, थोड़े समय में ही। जैसे शंकराचार्य आए और 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वेद शास्त्र सुनाने शुरू कर दिए। कोई ऐसी भी तो विभूतियां हुई हैं जिनकी उम्र कम हुई है लेकिन काम उन्होंने बड़ा कर दिया। तो बाबा ये जो 84 जन्म लेने, जो 84 जन्म पूरा लेते हैं बाबा हाँ? हम जैसे आत्मा तो उनका भी वहाँ पे कम हो जाता है उम्र। क्यों नहीं कम होगा, तो एवरेज बता दी मैंने सभी के लिए, बता दी एक बात। 30-30 बाबा बहुत कम हो जाता है हाँ, होने दो। कहना क्या चाहते? नहीं बाबा मतलब एवरेज बहुत कम हो जाता है बाबा। हाँ एवरेज कम हो जाता है ना, पेट में ही बच्चा मर पड़ता है। लेकिन वो हमारे साथ कैसे होगा बाबा? क्या हमारे साथ कैसे होगा? 84 जन्म जो लेते हैं उनका तो इतना ऐसा काउंटिंग कैसे होगा बाबा? ऐसा काउंटिंग कैसे होगा? उनकी उम्र ज्यादा हो जाएगी क्या? नहीं नहीं वही तो बाबा हिसाब के लिए हिसाब में गड़बड़ हो रही है। तो ये सिर्फ एवरेज बताया, एवरेज का मतलब है कोई जन्म में कम हाँ कम एज में भी करिश्मा हो जाता है और कोई जन्म में हाँ लंबी आयु भी हो जाती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जन्म में 30 साल और हर जन्म में 60 साल। नहीं नहीं बाबा लेकिन ज्यादा भी अगर लेंगे हाँ, आने वाले जन्मों का तो ऐड हो जाता है इसमें। हाँ तो कम हो जाएगा ना, तो अगले जन्मों में कम उम्र होगी तो 20 साल के होंगे या 10 साल के होंगे, हो सकते हैं क्या बड़ी बात। 84 जन्म लेने वाले आत्माओं के साथ कैसे होगा बाबा? 10 साल की उम्र में कैसी मौत आ जाएगी? 10-20 साल जो सिख धर्म में बच्चों ने दीवार में अपने को चुनवा दिया और चुनवाने के लिए वो तैयार हो गए और हंसते हंसते दीवार के अंदर चुनेंगे, उनकी उम्र कम हुई या ज्यादा हुई? और करिश्मा उन्होंने ज्यादा किया है या कम किया? तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी है उनका तो कलयुग में तो ज्यादातर ज्यादा अनिश्चय में चले रहेंगे ना। कौन उनके शॉर्ट शॉर्ट कलयुग की शूटिंग सारे अनिश्चय में होते हैं? यहाँ जितने बैठे हुए उनको निश्चय अनिश्चय नहीं आ रहा है? वो तो आपस में जितना ही क्लोज होते जाएंगे क्या? उतना जितना अनिश्चय पैदा होता जाएगा। कोई ने कुछ बात कही कान में, अरे देखो ये बात ऐसे है ऐसे नहीं, तुम्हारी बात तो सही है। तो वहीं से अनिश्चय शुरू हो गया। कोई कहते हम तो बाप से क्लोज होना चाहते हैं औरों से क्लोज नहीं होना चाहते, लेकिन हमको मौका ही नहीं मिलता है। तो रंग का रंग तो लगता है ना। और बाबा हाँ आज में प्रजापिता एक ही छोड़ के चले गए, आज में प्रजापिता एक ही छोड़ के चले गए हाँ? और अभी धर्मशाला को छोड़ के चली गई। धर्मशाला छोड़ के चली गई। धर्मशाला तुम्हें कैसे मालूम छोड़ के चली गई कि या कोई दूसरा गुंतारा भेड़ा रही है? हैं ये तुम्हें कैसे मालूम? मिलती नहीं है इससे तुमने ये समझ लिया कि छोड़ के चली गई? जगदम्बा है तो जगदम्बा को महाकाली का पाठ बजाना है कि नहीं बजाना है? बोलते क्यों नहीं हाँ या ना? है जब महाकाली का पाठ बजाना है तो ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया के अंदर नहीं होगा, तो अंदर ही कहा जाएगा ना, बाहर थोड़ी कहा जाएगा कि छोड़ के चली गई। मस्तक में चंद्रमा भी दिखाया जाता है। बाबा,
द्वापर तक नहीं, द्वापर तक नहीं, कलयुग के अंत तक, द्वापर से है, द्वापर में फिर भी कुछ सत्य होता है, सच्चाई होती है शास्त्रों में, ये बताया। शुरू शुरुआत में गीता का भगवान कोई निराकार ही माना जाता था, बाद में जब सोमनाथ मंदिर में स्थापना हो गई, उसके बाद फिर जो कृष्ण के उपासक थे उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, जो पाश्चात्य विद्वान हुए उन्होंने अपनी थीसिस में लिखा हुआ है, एक विद्वान नहीं तीन तीन चार चार विद्वानों ने ये बात लिखी, खोज की है। शिव बाबा ने ये कोई नई बात नहीं बताई है, लेकिन लोग इस बात की जानकारी नहीं रखते हैं कि पहले गीता निराकारवादी रचना थी, बाद में कृष्ण के उपासकों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। हाँ यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी आत्मा जो चली गई, आपने कहा यज्ञ के आदि में कुछ सूर्यवंशी आत्मा यज्ञ छोड़ के चली गई। प्रजापिता जब गया, सूर्य जाता है तो सूर्य के साथ ही जो सितारे हैं वो भी जाते हैं, नंबर वार जाते रहते हैं, अंत में भी ऐसे ही होगा। जगन्नाथ का मंदिर भूल गए हैं? हाँ जो आदि में हुआ वही, जगन्नाथ का मंदिर भूल गया ना? हाँ ना, ना। समझा नहीं वो? क्या नहीं समझा? जगन्नाथ के मंदिर के बारे में, जगन्नाथ के मंदिर में टूटी भुजाएं दिखाई गई नहीं है? कहाँ गई वो लेफ्ट साइड की भुजा, वो राइट साइड की भुजा कहाँ गई? नंबर वन है, नंबर वन है। जब वो ही कट गई जो लेफ्ट में पार्ट बजाने वाली है और राइट में पार्ट बजाने वाली है, वो ही सहयोगी ना रही तो कौन रहेगा किसी का? सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को नहीं भूलना। 2000 आत्मा है ना बाबा टोटल सूर्यवंशी है, 2000 आत्मा है सूर्यवंशी। क्या बात हुई है? मुरली में कहा है चौधरी जो पक्के सूर्यवंशी है और टोटल 2000 है। ये कौन सी मुरली में कहा? 2 करोड़ बोला है, सत्युग अंत की आबादी 2 करोड़ तो बताई है सूर्यवंशी। हाँ सत्युग के अंत तक सूर्यवंशी होंगे तो उनकी आबादी कितनी बताई है? 2 करोड़। हाँ क्या कहना चाहते, कौन लोग खोल दो बाप को अंत तक मार छोड़ने वाले कितने होंगे? पक्के सूर्यवंशी है, बाप को अंत तक दुनिया दुश्मन बने लेकिन बाप को भूलना नहीं, तो ऐसे बाप को मैं छोड़ने वाली जो पक्के सूर्यवंशी आत्माएं होंगी उनकी संख्या क्या होगी? बाप का भी बाप है कोई? कोई नहीं। बाप का बाप कोई नहीं है, सुप्रीम सोल बाप है ना, तो उसको भी न छोड़ने की बात होगी क्या? अरे अल्लाह को मिला अल्लाह, दे मिली बाप, दे को मिली बाप का ही, ये निश्चय किस बात की निशानी है? साकार में है कि निराकार में? अल्लाह को मिला अल्लाह, जो कहने वाले ने कहा अल्लाह को मिला अल्लाह, दे को बाप चाहिए, आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही, ये किसने बोला, किसके ऊपर लागू होता है? बेसिक नॉलेज में बैठे हुए सारी दुनिया पलट गई। ब्रह्मा कुमारी ने जो पढ़ाई पढ़ाई वो भी पढ़ाई बुद्धि में बैठी हुई। ये तो ब्रह्मा जो पार्टनर के बीच में जो बात हुई थी उसकी ये बात बता रहे हैं। क्या पार्टनर के बीच में बात हुई थी? यही तो कि दे कौन है और अलग कौन है यही नहीं जाना अभी तक।
सारी रामायण की कथा पूरी हो गई रावण का बाप सीता ये क्या कर दिया अलग कौन है प्रजापिता है या ब्रह्मा है हाँ तो अलग को मिला अल्लाह माने किसको अल्लाह मिला उसको अल्लाह मिल गया ये निश्चय बैठ गया हाँ जी हाँ जी तो किसको अल्लाह मिला अलग को अल्लाह मिला तो किसको मिला अलग कौन प्रजापिता को अल्लाह मिल गया ना और ये बात किसके मन में बैठ गई ब्रह्मा के मन में बैठी क्या प्रजापिता के मन में बैठी जिसको मिला होगा वो समझेगा जिसको मिला ही नहीं वो दुनिया की बात कही लेगा कि अल्लाह बोलेगा प्रजापिता के मन में बात बैठ गई हाँ तो प्रजापिता को यज्ञ थोड़ी तरह में हो गया और क्या करेगा यज्ञ जो ये दुनिया की जो दीदी दादियां यज्ञ संभाल रही है और यहाँ एडवांस पार्टी में जो बड़े बड़े संभाल रहे हैं उनको क्या बात सही मिल गई उसको बात सही कहेंगे ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा तो यज्ञ में टिके रहे ना हाँ ब्रह्मा यज्ञ में टिके रहे फिर बाद में अंत में हार क्या हुआ टिके तो रहे फिर अंत में क्या हुआ कुछ हुआ कि नहीं हुआ इसलिए बताया जो सत्य होता है वो हमेशा टिका रहता है यज्ञ से दूर नहीं रहता वहाँ अज्ञान शुरू हो गया वहाँ जो भक्ति मार्ग वालों का राज्य शुरू हो गया उसे यज्ञ नहीं कहेंगे देखो जब यज्ञ पिता ही को कोई नहीं मानता है तो कोई ज्ञान यज्ञ को मानेगा तुम यज्ञ किसको कहते हो बाबा इतने पहले बैठे हैं यज्ञ को ज्ञान को मानते हैं तभी तो यज्ञ पिता के सामने बैठे हुए हाँ बैठे हुए हैं ना लेकिन वहाँ ब्रह्मा की सरपरस्ती में जो चले गए ब्रह्मा की पाला अपना ली और प्रजापिता को छोड़ दिया तो प्रजापिता की वो बात मानेंगे अरे प्रजापिता बाबा जब तक यज्ञ में थे यज्ञ किसे कहते हो ईटों को यज्ञ कहते हो या हुजूम को यज्ञ कहते हो जो संस्कृति से प्रजापिता और ब्रह्मा के संगठन शुरू हुआ जो भी संगठन को यज्ञ नहीं कहा जाता नोट करिए ज्ञान को यज्ञ कहा जाता है ज्ञान यज्ञ ही तो शुरू हुआ ना ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ उस ज्ञान को उन्होंने माना ही नहीं यज्ञ पिता को ही नहीं माना यज्ञ पिता हाँ यज्ञ पिता जो बात बताता है रास्ता बताता है उसको तो मानना चाहिए दुनिया में इतने गुरुओं के पास भटकते बनारस में भटके विद्वान आचार्यों के पास और जिसके पास जाकर के समाधान मिल गया नशा कर गया तो उसको मानना ही नहीं बात को तो माना ना उसने कहा माना वो माना होता तो फिर झगड़ा क्यों होता है इस बात का ब्रह्मा ने तो इस बात को मान के बैठ गए हो कि मैं जो है कृष्ण किशोर हूँ और मैं कृष्ण बनने वाला हूँ भविष्य में मैं कृष्ण बनने वाला हूँ मैं गीता का भगवान बनने वाला हूँ ये भी बुद्धि में बैठ गया यही बात जो है प्रजापिता ने उन्हें हाँ तो यही बात ये बात नहीं बताई कि गीता का भगवान कौन वो बात उसमें नहीं बैठी यज्ञ में नहीं लेकिन मैं कृष्ण बनने वाला हूँ ये बात तो बता ये बात बैठ गई कि मैं कृष्ण गीता का भगवान हूँ और इसी बात को पकड़ के वो बैठे हाँ जी कृष्ण गीता का भगवान हूँ ये बन गया लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा आखिर यज्ञ का माता और पिता कौन और आगे बाबा मम्मा के बात तो ब्रह्म बाबा की बुद्धि में ये तो बैठा ना कि यज्ञ के माता पिता तो वो पूर्वजी थे हैं आप बोल सन 76 में शिव बाबा ने उनके मुख से बुलवाया एक मिनट सन 76 में जो प्रजापिता शब्द ऐड करवाया वो शिव बाबा ने उनके मुख से ऐड करवाया 66 में ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात आई या नहीं आई ये पता नहीं तो जो 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 मंदिर की वो ये किया क्या जो पंडित सेवा केंद्र जो
स्थापना हुआ, काली सेवा केंद्र जो स्थापन हुआ वो भी ब्रह्मा की धन संपत्ति से ही स्थापन हुआ। उन बच्चों की याद में किया ना, वो उन्हें कुछ नहीं याद होता याद हाँ, वो तो ऑटोमेटिक ऐसे हो गया जो हो गया, ड्रामा प्लान अनुसार हो गया। उनकी बुद्धि में ये नहीं आया कि हम उनकी यादगार में ये बना रहे हैं। हाँ, जब वो सेंटर स्थापन हो गया तो वो दो आत्माएं आ गई उसमें, बीज रूप सेंटर में। ऐसा मुरली में बोला है कि हाँ। मम्मा के बाद ब्रह्मा बाबा को धीरे धीरे ये ख्याल आया कि ये क्या पिता ही पूर्वज वही प्रजापिता था, मैंने भूल की। वो वाणी ख्याल आने की बात चलाई या शिव बाबा ने चलाई? शिव बाबा ने, उन्होंने सुना तो होगा ना, ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो पहले ही सुनती है तो, लेकिन समझती कहाँ है पूरा, कभी निश्चय है कभी अनिश्चय। उनको तो जन्म मरण का चक्कर पहले भी था अभी भी है। कहाँ सरेंडर हो गई? ब्रह्मा कुमार बनाना, ब्रह्मा कुमार बनाने का मतलब ये है कि ये ब्रह्मा मौजूद था उस समय? जब ब्रह्मा ही नहीं है तो ब्रह्मा कुमार कहाँ हो गया? और सरेंडर होने की बात आप कैसे कहते हैं? सरेंडर तो कुमारों को होने की दरकार ही नहीं है। जो बैल है उनको सरेंडर होने की क्या दरकार, नाप लगने की क्या? तो कन्याएं माताएं, आज समाज ऐसा है गंदा कि कन्याओं माताओं को कोई न कोई शरण चाहिए संसार में। हाँ, पोता मैंने किसको दिया? निराकार को दिया या दीदी दादियों को दिया? उनके पास पड़ा है वो उनकी चालाकी। अगर कोई पोता मेल देता है और बाबा कहते हैं, बाबा का नियम क्या है, फाड़ के फेंक दो। अगर उन्होंने फाड़ के नहीं फेंका और उन्होंने अपने पास रखा तो उन्होंने शिव की जो श्रीमत है उसका उल्लंघन किया या मान लिया उल्लंघन किया, उसकी वो सजा खाएंगे। अरे ब्रह्मा कुमार तो तब कहा जाए जब ब्रह्मा मौजूद हो। मुरली ने बोला है, उन ब्राह्मण से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, कहेंगे सूक्ष्म पतन। अरे जब तुम्हारा ब्रह्मा सूक्ष्म पतन है तुम भी सूक्ष्म पतन में जाओ, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए? मैं बोला इतने सारे बच्चे जो अभी ज्ञान में आ रहे हैं, बेसिक में हाँ, या एडवांस में आ रहे हैं, वो तो बाप को पहचान रहे हैं, बाप को पहचान रहे, ब्रह्मा को पहचान रहे हैं कि ब्रह्मा कहाँ कार्य कर रहा है। एडवांस में की बात अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा मौजूद है और वहाँ वहाँ ब्रह्मा कुमार नहीं कहा जा सकता, वहाँ कहा जा सकता है ब्रह्मा मुख वंशावली। एक के पीछे एक पैदा हुआ, उसके पीछे एक पैदा हुआ, उससे फिर और पैदा हुआ, वो कहेंगे अवली। अवली माने कतार। ब्रह्मा कुमारों ब्रह्मा से ब्रह्मा कुमार कुमारियां पैदा हुए, दीदी दादी दादाएं पैदा हुए, दीदी दादी दादाओं के ऊपर और दूसरों ने श्रद्धा बैठा दी, वही उनके लिए ब्रह्मा हो गए, वही उनके लिए सब कुछ हो गए। वो मुरली की बात ध्यान नहीं देंगे, दीदी दादी दादाओं की बात को ध्यान देंगे तो उनके बच्चे हो गए अवधि हुए ना, मुखवंश अवली। ब्रह्मा मुखवंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी थोड़े ही करेंगे, ब्रह्मा के कुमार तो नहीं हुए वो, अवली हुए। और आप तो डायरेक्ट हाँ प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। और वो उन्हें तो अपने बाप का भी नाम नहीं मालूम है, आपका ब्राह्मण और आप बकालत कर रहे हैं, समझ गए आप? अच्छा अच्छा, बहुत देर से समझ रहे हैं। और नरदेशावर का मतलब क्या? हाँ नरदेश,
हाँ हाँ नरदेश, नारी देशावर नहीं, नरदेशावर। कमाई कौन करता है, नर करता है या नारी करती है? हाँ यहाँ भी है, हिंदुस्तान में जब किसी को पैसा कमाना होता है तो कौन सा शहर याद आता है? हाँ? बम्बई याद आती है। अब ये किसकी नगरी है बम्बई? माया की नगरी तो है, वो तो माया ने बाद में ले ली, लेकिन पहले किसकी थी? हर हर बम बम की नगरी थी। है बहुत क्या बहुत कुछ नहीं फूट गया बाबा। मुरली ने बोला है कि ब्रह्मा ने शरीर छोड़ने के बाद जो जो ज्ञान में आए, यज्ञ में आए, वो तो ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा के साकार शरीर को देखा ही नहीं, उसका प्यार नहीं लेते। हाँ, जब साकार शरीर को देखा ही नहीं तो उसकी गोद से प्यार कैसे होगा? तो मुकुंशवाली कुकुंशवाली इधर बाबा ने बताया था कि जो ब्रह्मा के यज्ञ, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ने के बाद जो आए वो मुकुंशवाली थे। ब्रह्मा जब तक शरीर में थे तब जो जिन्होंने ब्रह्मा के थ्रू कुक का प्यार लिया वो सब कुकुंशवाली। बाबा ये तो हद की बात हो गई, अगर बेहद में भी पकड़ेंगे बाबा तो जब तक जगदम्बा गुप्त नहीं थी बाबा, जब तक जगदम्बा थी या तब तक जिन्होंने कुक का प्यार लिया, जगदम्बा का कुक का प्यार? हाँ बाबा, जगदम्बा माने एडवांस पार्टी में। बाबा एडवांस पार्टी में क्या वो स्थूल गोद में जगदम्बा लेती थी क्या? स्थूल गोद में नहीं बाबा। हाँ फिर कुक माने क्या? मन बुद्धि की बात बाबा। मन बुद्धि में कहीं कुक होती है क्या? नहीं बाबा, लेकिन जो अनुभव की बात होती है। अनुभव में क्या होता है मन बुद्धि में बाबा? लेकिन जो कुकुंशवाली मुकुंशवाली, हाँ वो ये होता है कि जो बाबा ने कहा है कि गुरु लोग जो होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो गौमुख कपड़ा बनाते हैं क्या? ऐसा और ऐसा, और उसमें हाथ डाल देते हैं क्या? वो कपड़ा माना शरीर रूपी कोई वस्त्र है, जिस शरीर रूपी वस्त्र में उन्होंने बुद्ध रूपी हाथ डाल दिया वो मुख है। वो मुख उनको ज्यादा याद आता है एडवांस आने के बाद। माने वो कोई गऊ है, कामधेनु गऊ है, और वो गऊ उनको ज्यादा याद आती है, बैल याद नहीं आता। तो उनको कह सकते हैं कुकुंशवाली, क्योंकि देह में उनकी बुद्धि जा रही है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा गोद में लेते थे ऐसे यहाँ कोई गोद में लेने की परंपरा चली हो। हाँ बाबा, नर देशावर का आपने ये बोला नहीं क्या? जो पुरुष है जब कमाई कमाने के लिए जाते हैं तो बम्बई में आते हैं मोस्टली। हाँ जी, देशावर में जाना, देश देशावर, कमाई करने वाला देश होता है जहाँ हम रहते हैं, और देशावर माने दूर दराज के देश में जाना कमाई कमाने के लिए। बाबा कोई पुरुष स्त्री को नाचता है बाबा, तो स्त्री नथनी डाल दिए? स्त्री नथनी नहीं डालती है, पुरुष नथनी डालता है, डलवाता है बाबा। लेकिन बाबा स्त्री को बाबा ने बोला है, माना माता जो होती है उनको गौ बोला है, और पुरुष जो है भाई जो बैल बोला है, और यहाँ पे तो बैलों को नाथ से डालते बाबा है, नाथ तो बैलों को डालते हैं, जो बढ़िया बैल हो जाते हैं उनको डाली जाती है नाथ, समझा? जो बैल बढ़िया हो जाते हैं, बढ़िया माने नपुंसक बना दिए जाते हैं, उनको नाथ डाली जाती है। जो नपुंसक नहीं बनते हैं वो नाथ नहीं होती है उनको, वो सांड बन के घूमते हैं चारों तरफ दुनिया। इसलिए बाबा ने कहा बैल पाल कन्हैया गाया हुआ है, गाया हुआ है क्या? नहीं गाया हुआ है, गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। बैलों को सरेंडर करने की दरकार नहीं है, और ना उनको नाथ डाली जाएगी तो नाथ नाचने में आएंगे। हाँ कहाँ बिंदु को याद करने, तुमने कैसे जान लिया कि बिंदु को याद करती है? तो और किसको याद करेगी? और किसको याद करेगी? जिसको निश्चय बैठ गया है कि अलफ अल्लाह मुझे मिल गया,
तो मुझे मिल गया क्या? कान के ऊपर बैठ गया या बाल के ऊपर बैठ गया या चोटी के ऊपर बैठा या एक 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 मीटर ऊपर बैठा हुआ बिंदु? वो बिंदु कहाँ बैठा हुआ? मिल गया तो मतलब क्या हुआ है? हाँ समा गया ना? तो जब समा गया तो जिस रूप में समा गया वही रूप याद करने स्वरूप याद करेगा या प्रचिंतन करेगा? तो आपने समझ लिया कि वो बिंदु को याद करता है, है? आंखों में बस गया, प्रकृति में बस गया, कुछ भी कहो माना याद आना सहज हो गया उसको। लेकिन तो बिंदु की हो गई ना याद? बिंदु की याद क्यों हो गई? साकार में निराकार है ना। हाँ तो क्या हुआ? घाटा क्या है? अपना स्वरूप याद करना कठिन होता है या सहज होता है? अपनी प्रकृति में याद करना सहज होता है या दूसरी जगह बिंदु को याद करना सहज होता है? फिर हाँ याद से विकर्म विनाश कैसे होता है? जबकि कहा गया कर्म प्रधान जिसको कर था। अच्छा गधा कर्म करता है इसका मतलब उसको नारायण बनना चाहिए। गधा सुबह से लेके शाम तक काम करता है और रात को भैंस की बची हुई घास खा के भी सो जाता है। तो बहुत कर्म करने वाला है, उसको तो नारायण बन जाना चाहिए। क्यों? कर्म तीन प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। वाचा और कर्मणा से ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने और एडवांस पार्टी वालों ने बहुत करके देख लिया। कुछ रिजल्ट निकला? कुछ परिवर्तन हुआ? काय से परिवर्तन होगा? मनसा पावर से परिवर्तन होगा? तो याद सबसे बड़ा कर्म है। हाँ जी है? क्या कहा है? गधे के कर्मों को फॉलो जो कहते हैं कर्म ही पूजा है। जो कहते हैं कर्म ही पूजा, किसके कर्म पूजा है? अरे किसने ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया जो पूजा हुई? कोई ऊंच से ऊंच हुआ होगा जिसने ऐसा ऊंच कर्म किया जो सारी दुनिया फॉलो करती हो? कोई नहीं हुआ। तो कर्मों को फॉलो करना, कर्म तो कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं, लेकिन याद का एक ऐसा कर्म है अव्यक्त कर्म जो सिर्फ है 11वीं इंद्री से किया जाता है। और 11वीं इंद्री सबसे श्रेष्ठ इंद्री है, सब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली। वो मनसा पावर से सारी दुनिया कंट्रोल हो जाती है। ब्रह्मा को फॉलो किस तरह है? यहाँ तो ब्रह्मा के फॉलो की बात ही नहीं आई। क्यों नहीं रही? क्योंकि कर्म की बात आई ना। हाँ तो कर्म की बात आई तो क्या मुर्गियाँ पढ़ी नहीं है? हिस्ट्री सुनी नहीं है? याद ही करो। बुद्धि से खींच नहीं सकते? हाँ एक बंदर प्राणी ऐसा होता है, वो जैसा देखता है वैसा ही कर्म करता है। तो पूरा ही राम जी सेना समझ लिया क्या? बाबा राम चला गया फिर क्यों बोला गया कि प्रजापिता जो है यज्ञ छोड़ के चला गया? हाँ तो जो उनकी बात किसी ने मानी नहीं। हाँ तो यज्ञ छोड़ के चला गया। हाँ ज्ञान छोड़ दिया, इसका मतलब पापा ज्ञान छोड़ दिया? फिर वही आ रहे पाप में बैठे क्या? अरे ज्ञान नहीं छोड़ के चला गया, असली ज्ञान तो उसकी बुद्धि में समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? ज्ञान कहा जाता है कि शिव कहाँ आ गया, कौन है शिव का स्वरूप? वो किसने कहा? किसने कहा? तुमने कहा ना, तुम्हारी अम्मा ने कहा। जिम्मेवारी को छोड़ना भी तो ज्ञान नहीं है। जिम्मेवारी जो मिली है उसको छोड़ना तो ज्ञान नहीं है। भगवान ने आकर के ये कहा कि तुम जिम्मेवारी तुम ये संभालो, दीदी दादियों के कान में फूंका कि तुम ये संभालो,
ये संभालना, ये जिम्मेदारी है। अच्छे पहले अपने को संभालो, सही स्थिति में इसके तो हो जाओ, नारायण बन जाओ, दूसरों को नहीं संभालो। किसको संभालना है, किसका परिवर्तन करना है, पहले अपना परिवर्तन करना है। वो ऐसे बने कि तुमको उनके कर्मों को फॉलो करना पड़ रहा है। कर्म ऐसे किए होंगे ना, और ऐसे कर्म नहीं किए जो नई दुनिया में प्रिंस बन सके, पहला पत्ता बन सके। एक हिसाब से तो ज्यादा भाग्यशाली आत्मा है कृष्ण की, क्योंकि चैन की बंसरी यहाँ भी संगमी में बजाई पुरुषार्थी जीवन में, और मौत भी हुई तो ऐसी हुई एक सेकंड में हुआ रेल का राही, कोई तकलीफ नहीं। हार्ट फेल की मौत अच्छी होती है खराब होती है, अच्छी तो होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारों को आठ महीनों के मरना चाहिए। माने लौकिक दुनिया की दृष्टि से बताया कि जो और मौतें होती है बीमारियों में, उसके मुकाबले जो हार्ट फेल की मौत की बीमारी है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ज्यादा यंत्रणा नहीं भोगनी पड़ती है। हाँ, सबसे अच्छी लौकिक दृष्टि से, अलौकिक दृष्टि से तो बता दिया मुरली ने, क्या बता दिया, जीते भी हमको मरना है, शरीर छोड़ने की तो बात ही नहीं, इच्छा मृत्यु चाहिए। और बाबा दुनिया में सोना दो तरीके को बता दे है, इंडिया में सोना दो तरीके का, इंडिया में जो सोना चलता है विदेश में तो सफेद सोना जो उससे भी महंगा होता है, ये दो सोना दो क्वालिटी का प्लेटिनम गोल्ड करके आता है, जहाँ जो पैसा वाले लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये नॉर्मल गोल्ड से भी महंगा गोल्ड होता है। तो क्या फर्क है उन दोनों में, तो इंडिया की सच्चाई और विदेश की सच्चाई में फर्क नहीं होगा। विदेशी लोग जिसको सच्चा मानते हैं और इंडिया के लोग जो सच्चा मानते हैं उसमें अंतर नहीं होगा, तो वही अंतर है। हमने बिठा रखा है, हमने कहाँ बिठा रखा है, आपने बिठा रखा है, है? हाँ हाँ सागर में मछलियाँ होती हैं अभी है, मगरमच्छ भी होते होंगे। हाँ है, हाँ जी, हाँ जी, गंगा की सवारी मगरमच्छ के ऊपर दिखाई जाती है। मछलियाँ वो है ना जिनमें से बदबू आती है, क्या विचार की बदबू आती है, और वो मगरमच्छ में भी बदबू आती है, क्योंकि वो उन सबको खाने वाला है। कौन, मगरमच्छ सारी मछलियों को हाथ पकड़ जाता है, लेकिन गंगा, गंगा उसको कंट्रोल कर लेती है। जो प्योरिटी की पावर होगी ना, क्या ऐसे ही कंट्रोल कर लेगी। और होने के बाद ये बोला है कि कोई बच्चे बाबा का आखिर में हाथ छोड़ेंगे, पूरा पूरा निश्चय किसको हो गया, अभी हर बच्चे को हो गया पूरा निश्चय, हर बच्चे को नहीं छोड़ दो, अपनी बात तो बता दो सभा के सामने, अरे हर बच्चे की बात छोड़ दो, पहले अपनी बात तो बताओ कि हमें 100% निश्चय हो गया, 100% निश्चय हो गया। अच्छा देखो 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 चैलेंज दे रहे हो सभा के सामने, ऐसी कौन सी बात होगी जिससे बाबा का हाथ छोड़ गया, ऐसी कौन सी बात, सब बातें तो ऐसी होती है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ऐसी कौन सी बात रही नहीं दिमाग में, तो यही सोचते हैं। 98 में कंपिल में जो हुआ उसके बाद कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठ गए, पचा पिता ब्रह्मा कुमार,
बैठे ना, बहुत बड़ा रूप तो नहीं हुआ, फाइनल परीक्षा तो नहीं हुई है, द्वापर युगी शूटिंग के अंत का ही परीक्षा हुई ना, आधी परीक्षा हुई ना। और कलकत्ता में रविंद्र भाई जब जेल में गए तो उस समय कलकत्ता वालों की फाइनल परीक्षा हुई या अधूरी परीक्षा ही हुई थी? अधूरी परीक्षा हुई थी। उसमें यहाँ तक हो गया कि गांव वालों ने उनको मजबूर किया, तुम अपनी कन्या को आश्रम में से लाओ नहीं तो निकलो गांव से बाहर, और रोज पिटाई धुनाई और गाली गलौज, और सबने आकर के आश्रम में आना बंद कर दिया। तो क्या हुआ था उस समय, ऐसी क्या बात हो गई जो कलकत्ता आश्रम में सबने आना बंद कर दिया, एक महीने तक कोई आया भी नहीं? नहीं समझ में आया है? किसके डर के मारे है? पुलिस के डर के, और पुलिस घर में से निकाल करके ले जाएगी है? पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती, जब तक कोर्ट फैसला न करे तब तक पुलिस ये नहीं कर सकती कि कोई को आश्रम में जाने से मना कर दे। पुलिस का डर नहीं था लोगों को, लोगों का डर था समाज का, लोक लाज का डर था, लोक लाज का भी नहीं, समाज के लोग जो विपरीत हो चुके थे, जो उनको मजबूर कर रहे थे कि तुमने जो कन्या सरेंडर की हुई है उनको वहां से वापस लाओ, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हारे घर में आग और आग लगा दी थी। तो ये तो जीत की परीक्षाएं हुई त्रैमासिक और छमासिक, अभी फाइनल परीक्षा तो हुई नहीं है। अब बम्बई तो बहुत दूर है कलकत्ते से, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो बाबा ने झूठ बोला हुआ है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी। अभी ऐसी कौन सी बात है जो समाज के सामने प्रत्यक्ष करने में, बाप को प्रत्यक्ष करने में तुम्हारे सामने बहुत बाधक आ रही है, हैं? अरे समाज को आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अरे आपके समझाने से नहीं बैठता ना, तो कोई बात होगी ना जो आपके लिए विघ्न की दीवार खड़ी हुई है, आखिर आगे चल के बुद्धि में बैठेगा तो कौन सी ऐसी बात है जिसके आधार पर कोई की बुद्धि में बैठता नहीं? माने आगे चल के तमो प्रधानता कम हो जाएगी दुनिया में? तमो प्रधानता दुनिया में बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी है? हमारी प्योरिटी क्रॉस करेगी, अभी तक 70 साल में क्रॉस नहीं कर पाई, अब आगे क्रॉस कर जाएगी। अभी 70 साल में चाल चलन नहीं सुधार पाई है? अच्छा तुम यज्ञ के आज में नहीं थे, ये तो है, उनका डब्बा गोल हो गया, इनको स्मृति नहीं आ रही हम यज्ञ के आज में थे है? ध्यान नहीं आ रहा ना, वही तो बात बताया कि कोई को तो ध्यान आ गया पक्का पक्का, हम भी यज्ञ के आज में ब्रह्मा कुमार थे, भले ज्ञान नहीं था तो क्या हुआ, अभी तो ज्ञान है, अभी तो पक्का बुद्धि में बैठ जाना चाहिए ना, क्या कि हम पहले भी ब्रह्मा कुमार थे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार थे, और अभी भी है। और क्या है सेंटर में जाना, हाँ माना
ये किसने कहा ना जाओ? हाँ परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी, ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी कि लोग जो हैं उनके कानों में अच्छी तरह भर दिया जाएगा कि ये लोग बुरे हैं। इनसे ज्यादा बुरा दुनिया में कोई नहीं है। ये माया अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा देगी, सब लोग किस दृष्टि से देखेंगे? अभी तो फिर भी सतोपंज रहता है, आपकी आपकी बातें सुनते हैं तो उनको थोड़ा विश्वास हो जाता है, आपके नजदीक रहते हैं तो विश्वास हो जाता है, लेकिन कभी कभी अखबारों में, रेडियो में, टीवी में चारों तरफ से एक ही आवाज निकलती है तो उनका निश्चय उखड़ जाता है। कहते माँ झूठा आदमी, सारे झूठे हो जाएंगे, सारे अखबार झूठे हो गए, सारे रेडियो चैनल झूठे हो गए, सारे टीवी चैनल झूठे हो गए। तो अभी मालूम है, लेकिन ये बात अंत में टिकी रहे क्या बुद्धि में कि एक ही सच्चा है और सारी दुनिया झूठी है, भर कोई कुछ भी कहता रहे। हाँ ब्रह्मा बाबा सबको बच्चे करके देते। ब्रह्मा बाबा को तो ये पक्का निश्चय हो गया मैं गीता का भगवान हूँ, उनको तो निश्चय हो गया ना। सेवो हम, मेरे में ही सेवा आता है, कोई और में सेवा नहीं आता है, मैं भगवान का मुकर्र रखूं। और यहाँ गुप्त पाठ चल रहा है कि प्रत्यक्ष, तो कैसे आएगा तुम? तुमने निश्चय पत्र लिख के दिया है, उस निश्चय पत्र में क्या, जिसको निश्चय पत्र लिख के दिया उसने साइन कर दिए नहीं किए ना? पंद्रह अगस्त जन्माष्टमी। हाँ जी, और अभी अगले महीने 15 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी हो रही है। और क्या, तो उस समय में माना संगम कृष्ण की आजादी हुई थी। हाँ, और अभी कौन सी आजादी हुई है? एक होती है मन की आजादी, एक होती है स्कूल जेल की आजादी, अंतर नहीं होता है? है और पहली मूर्ति गुप्त हो गई, दूसरी मूर्ति गुप्त होने के बाद सच्चे बच्चे ने जेल में डाला, बाद में बच्चे को जेल में जाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, बैगर टू प्रिंस तो सभी को बनना पड़े, ऐसे थोड़े ही के एक ही बैगर है और एक ही प्रिंस बनने वाला है, नंबर बार और भी तो हैं जो प्रिंस की स्टेज पे आएंगे। बाबा गुप्त हो जाएगा तो बच्चों के सामने गुप्त हो जाएगा या दुनिया वालों के सामने गुप्त हो जाएगा? जो कामी क्रोधी बच्चे हैं, अपना काम और क्रोध और लोभ मोह अहंकार नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके सामने से गुप्त हो जाएगा या सब बच्चों के सामने गुप्त हो जाएगा? अरे अव्यक्तवाणी में तो बोल दिया, जो क्रोध करेंगे उनसे बात भी नहीं करेंगे, मिलेंगे भी नहीं। अभी 2-4 साल पहले की अव्यक्तवाणी में भी बोला हुआ है, बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया के सामने अव्यक्त हो गए, तो ये बात तो सनातन की होनी चाहिए, अभी बोलने की क्या दरकार? मैंने यहाँ है ना, कोई बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है और कोई बच्चों के सामने दुनिया वालों के सामने अव्यक्त है।
47 में जो हंगामा हुआ है, 47 में जो हंगामा हुआ भारत पाकिस्तान का, तो माताएं सात साल तोड़ के भागी, तो वो समय आने के पहले भागने वाली भी रहेगी ना माताएं? नहीं, जरूरी है कि हंगामे में भागना चाहिए? हंगामे में ही भागी है, उसके पहले भी भागने वाली कोई माता होगी? नहीं, अगर होगी तो आप ही भागेगी तो समय के पहले भागेगी? तो समय के पहले आँख खुलती नहीं है ना। हाँ फायदा नहीं होगा है, फायदा नहीं किया, समय के पहले तो आँख खुल जाएगी, कैसे फायदा होगा? हाँ बाबा के साथ तो दादियों की कोई माता है ना है? बाबा के साथ जो ग्रुप था, बाबा के साथ कोई ग्रुप नहीं गया था। जब झगड़ा हुआ तो सबसे ज्यादा आँख किसके ऊपर आएगी? दादा लेखराज का नाम विख्यात था या प्रजापिता का? उस समय सिंध हैदराबाद में ज्यादा नाम विख्यात था, अंदर की बात तो कोई नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा तो जानते थे और मना भी करते थे, मुरली में भी आया, वो बच्चे आते थे संदेशी में, उनको बुलाते थे, कितना समझाते थे कि तुम विकार में न जाओ, फिर भी न माना, आपको पदभ्रष्ट हो गए, ऐसे बोला कि नहीं बोला? तो बाबा की नजरों में, ब्रह्मा बाबा की नजरों में तो वो आत्माएं नीची साबित हो गई ना। हाँ नीचे, जब ब्रह्मा को हो गए आप तो पदभ्रष्ट हो गए, तो नीचे हो गए या ऊंचे हो गए? इस जन्म में ब्रह्मा को विशेष बुद्धि बनाया है, उस जन्म में ब्रह्मा ने उनको विशेष बुद्धि बनाया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट समझी, इस जन्म में ब्रह्मा को विशेष बुद्धि समझे। ब्रह्मा को किसने विपरीत बुद्धि समझा? लिखा हुआ तो बाबा की मत पे लिखा हुआ है, मुरली बोला है, किसी भी में लिखो, ये मुरली में वाक्य बोला हुआ है, सीढ़ी में नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, और सीढ़ी में ऊपर लिखो विनाश काले विपरीत विपरीत बुद्धि विजयते। आप देदारी की बातों को पकड़ते हैं कि मुरली की बातों को, सिर्फ की बातों को पकड़ते हैं? फिर अगर सिर की बात को पकड़ा तो ये बात बोलते ही नहीं। अभी आपने बताया कि ब्रह्मा ने यज्ञ की आदि मातृका को बुद्धि दर्ज समझी, दूसरे जन्म में वही यज्ञ मातृका ब्रह्मा और सरस्वती को भी खुद समझते हैं? वो मुरली के आधार पर समझते हैं कि खुद समझते हैं? मुरली के आधार, आप मुरली के आधार पर बोल रहे हैं या देहदारी के आधार पर बोल रहे हैं? मुरली मतलब कैसे हुआ? मुरली के आधार में तो साबित ही नहीं हो रहा है। हाँ बाबा, मनसा सेवा हो रहा है उसका जजमेंट महसूस कैसे मालूम हो है? मनसा रिलैक्स में अनुभव करेगी, मनसा में कोई टेंशन नहीं रहेगा। प्रसन्न चित्त अनुभव होगा। बोलो 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 है? अरे वो तो तुमने देखा नहीं, भक्ति मार्ग में पहले कभी ऐसा चित्र निकला कि शंकर सोया हुआ पड़ा सच्चे के रूप में? पहले चित्र था नहीं था, अभी निकला है। तो बाहर की भक्ति मार्ग में भी अभी वही चित्र है, औंधा पड़ा हुआ अज्ञान निज में सोया हुआ है, और सीढ़ी के चित्र में भी अभी रोड पति है, है या नहीं है? 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 बताओ ना, वो रोड पति है या करोड़ पति है? रोड पति है ना? हाँ और आगे है? रामदाता तो भक्ति मार्ग वालों ने बोला ना, जिस राम के लिए बोला वो भक्ति मार्ग वाले तो उसे धनुष मान भारी राम मानते हैं या निराकार शिव ज्योतिबिंदु को मानते हैं? दाता कौन है?
निराकार साकार के द्वारा दाता है ना है। बाबा मुरली में गौतम ऋषि के बारे में आया था बाबा। हाँ जी हाँ जी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया था पत्थर बुद्धि बन जाए। हाँ। शास्त्रों में ऐसा दिखाया कि अहिल्या जो है उन्होंने इंद्र के मायावी रूप को अपना पति माना था। हाँ जी। इसलिए गौतम श्राप ऐसे ही थोड़े दे दिया, कोई काम ऐसा किया होगा विचार का तो उन्होंने देख लिया। तो बाबा जो पत्थर बुद्धि माना जड़ बुद्धि हो गई। हाँ हाँ। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जड़ बुद्धि तो ब्रह्मा को बोला। ब्रह्मा सबसे ज्यादा जड़ बुद्धि कैसे? जगदम्बा है। जगदम्बा सबसे ज्यादा जड़ बुद्धि कैसे? जब सतो प्रधान होते हैं तो जड़ रुको, जब सतो प्रधान होते हैं तब जड़ बुद्धि होते हैं या जब तमो प्रधान होते हैं तब जड़ बुद्धि होते हैं? और माया, माया तो द्वापर युग के आज से ही जड़ बुद्धि है। द्वापर युग के आज से ही जो इब्राहिम आता है वो कमजोर से कमजोर आत्मा में प्रवेश करता है। तो पहले पतित कौन हुआ? पहले जड़ बुद्धि कौन हुआ? माया हुई। बाबा ये जो हक की बात हो गई ना बाबा, क्या ये जो है माना बीके की बात हो गई, आधार की बात हो गई, जो हद के अंदर दुनिया में है वही बेहद की शूटिंग में। तो बाबा शूटिंग में तो बीच के आधार पे क्या है? क्या बीच के आधार पे? ये तो जो माया जो बताया बाबा अगर नारायण के बारे में। हाँ। ये तो आधार हो गए ना बाबा, बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में है, बीच में कौन है वो प्रश्न था बाबा। बीच में क्या चीज कौन है? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि बीच में, जड़ बुद्धि जब माया आधार भूतों में माया है तो बीज रूप जब एडवांस पार्टी शुरू हुई तो वहाँ माया का बीज रूप स्टेज वाला कोई नहीं है, वहाँ कोई महाकाली का पात्रधारी नहीं हुआ। हाँ नहीं बाबा, लेकिन वो गौतम ऋषि से आई है। हाँ गौ, गौ माने इंद्रिया, तम माना श्रेष्ठतम, इंद्रियों का सुख भोगने का पार्ट जिसने सबसे जास्ती अच्छा बजाया। अच्छा बजाया ना बाबा? हाँ अच्छा बजाया माने ज्यादा बजाया। ज्यादा और अच्छा में फर्क, ज्यादा का अच्छा का फर्क ये है कि इस्लामी जो होते हैं वो ज्यादा व्यभिचारी होते हैं। तो उसको अच्छा तो नहीं कहेंगे, कहाँ जाएगा हमारे ग्रेड के हिसाब से। लेकिन भाव को समझो, बात को मत पकड़ो। नहीं बाबा वो तो समझा, लेकिन जो अच्छा बात आती है। हाँ अच्छा तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख सबसे जास्ती कौन भोगता है और अतीन्द्रिय सुख सबसे जास्ती कौन भोगता है? इंद्रियों का सुख तो इस्लाम लोग भोगते हैं। इंद्रियों का सुख हुआ ना, इंद्रियों का सुख भोगने वालों में श्रेष्ठ हुआ ना, विरोध करने की बात नहीं बाबा। नहीं जो अहिल्या थे जिसने इंद्र के मायावी रूप को अपना पति माना। हाँ तो यहाँ पे अहिल्या कौन है बाबा? अरे मायापति भगवान कहा जाता है? नहीं मायापति भगवान कहा गया बाबा? नहीं कहा जाता। कहा जाता है? कहा जाता है तो माया ने इंद्र को अपना पति माना होगा ना। हाँ हाँ तो गलत किया ना, दो दो पति क्यों मान लिए एक ही जीवन में? एक ही मानना चाहिए ना। तो गौतम ऋषि को अच्छा नहीं लगा? गौतम ऋषि ना माने वो इंद्रियों का ज्यादा सुख, इस्लामी सबसे बड़ा इस्लामी प्रजापिता है तुम्हारी दृष्टि में। तो माने प्रजापिता ही साप देने वाला दुर्वासा है, श्रीमत के बरखिलाफ जो साप देता है वो सभा में नहीं लाना चाहिए भिखारियों को। हाँ तो लाया गया तो उसको साबित कर दिया। तो कौन लाया? लाने वाला कोई होगा। अच्छा तो ठीक है, लाने वाली हुई माया। अच्छा जो लाई वो जो लाई है हिंद सभा में लाई वो श्रीमत के अनुकूल लाई या प्रतिकूल लाई? प्रतिकूल लाई। फिर जो गौतम ऋषि बाप हुआ ना। हाँ तो गौतम ऋषि ने उसको साप दिया इसलिए कि तुम उसको सभा में क्यों ले आई? भगवान की सभा में, भगवान की सभा में नहीं ले जाना चाहिए। किसका? गौतम ऋषि का। श्रेष्ठ इंद्रिया गौ ऋषि गौतम जो है उसको श्रेष्ठ इंद्रिया, गौ माने सारी इंद्रिया, जो भी इंद्रिया है सबको गौ कहा जाता है। तम, तम माना इंद्रियों का पार्ट जिसने सबसे जास्ती और सबसे अच्छा बजाया हुआ, और अतीन्द्रिय सुख का पार्ट किसने बजाया?
वालिया। अरे कंट्रास्ट तो होगा ना, ये थोड़े ही कहेंगे कि इस्लाम धर्म का जो बीज है वो भी अतीन्द्र सुख का उतना ही अच्छा पाठ बजाता है जितना देवी देवता सनातन धर्म का बीज का पाठ बजाता है। है डिफरेंस, हाँ डिफरेंस हुआ ना। अच्छा बोल सकते हो, अच्छा माना जो भी इस्लाम धर्म का विविचारी पार्ट है वो विविचारी पार्ट सबसे जास्ती अच्छा जो है वो किसने बजाया? इस्लामियों की दृष्टि में सबसे अच्छा किसने बजाया? उसने बजाया। हाँ मुरली में बात आई है कि धोबी बाप धोबी बनकर आया, हाँ तो धोबी के साथ धोबी नहीं भी होनी चाहिए? बिल्कुल होगी, होना चाहिए। फिर बाबा ने बोला धोबी का गधा भी होता है। हाँ गधा भी होता है और गधे के साथ गधी भी होती है। गधे के साथ गधी भी होती है, तो बाबा चार आत्माएं हो गई। चार आत्माएं हो गई तो बाबा, और गधी का बच्चा भी होता है, बच्चे भी होते हैं। अपनी बात नहीं बोलेगा। अम्मा बाप की नाक पकड़ना आता है? हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ बोला है कि धोबी का ये परिवार है। हाँ धोबी का परिवार है, गधा और गधी, गधे गधियों का परिवार है। हाँ क्योंकि बाबा जो कपड़े लेके आने का काम तो गधे का ही होता है। गधे का होता है, तो लेके आया ना हसन अड़सठ तक। हसन अड़सठ में सारे कपड़ों का वजन धोकर के आया ना, तो वो गधी बोल रही है। और जो गधी है तो उसके साथ होगी उस समय के साथ, क्या अभी जो दे रही हो आप? तो माने जो गधी है वो विधवा हो गई क्या? नहीं गधा गधा है ना बाबा। हाँ गधा है, गधे को गधे के रूप में दिखा माना। रावण के सर के ऊपर जो देह अभिमान रूपी गधा है वो कौन है? ब्रह्मा। अच्छा वो गधा हो गया, हाँ? तो गधे के साथ गधी भी होगी, उसमें भी देह अभिमान सबसे ज्यादा बिल्कुल होगा। नहीं होगा तो महाकाली का पाठ कैसे बजाएगी? धोबिन जो है वो धोबिन एक्चुअली तो वास्तव में वो ही है, लेकिन जगदम्बा के रूप में। हाँ अरे महाकाली का पाठ जो है वो गधे का जोड़ीदार नहीं बताया। हाँ और जगदम्बा का जो पाठ है वो धोबी का जोड़ीदार नहीं बताया। ब्रह्मा जो है वो हीरोइन है, हाँ। और प्रजापिता हीरो है, वो गिरती कला का भी हीरो हीरोइन है और चलती कला के भी हीरो हीरोइन है। क्योंकि बाबा मूतपली सी कपड़ धोती, ये गायन तो सिखों में है। जो सिखों में गायन है तो सिखों ने ज्यादा उस बात को समझा होगा और ज्यादा कन्याओं को पहले सरेंडर किया होगा, तो एडवांस में भी पंजाबी तो आगे गया कन्यादान में। हाँ बैठ गई, और बुद्धि में इतनी जल्दी नहीं बैठती। जो धोबी ने वो विधि से धो नहीं सकती है ना, है धोबी ने ना जितना धोबी विधि से धो सकता है उतना धोबी नहीं धो सकती, ताकत नहीं है ना। अब गुलजार दादी कपड़े धोना शुरू कर दे तो क्या हाल होगा? बाबा जो व्यक्ति शरीर छोड़ के जाता है उनको जो ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं तो कैसा होता है बाबा? जो शरीर छोड़ के तुम्हारा भी ये डिस्कशन बंद नहीं होगा, एक घंटा काफी है, एक घंटा पूरा हो गया, अगली बार। भरना नहीं है जस्ट जनरल।